आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है, अनिषेचित अंड से बीज का विकास कहलाता है। तो दोस्तों हमें बताना है कि अनिषेचित अंड से या अंडाशय से बीज का विकास क्या कहलाता है। पहला विकल्प दिया गया है विवीपेरी, दूसरा है पार्थिनोकॉपी, तीसरा विकल्प है एपोगेमी और चौथा है एपोस्पोरी। तो दोस्तों जब क्या होता है बिना निषेचन, ठीक है, बिना निषेचन के अंड या, ठीक है, अंड या भ्रूण कोष से क्या हो जाता है, बीज का विकास हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे एपोगेमी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, एपोगेमी, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अपयुग्मन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अंड कोशिका के अतिरिक्त, ठीक है, अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से, ठीक है, क्या होता है, अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य कोशिका से क्या हो जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें विकल्पों की, तो पहला है विवीपेरी, और विवीपेरी में क्या होता है कि फल के अंदर ही बीज का निर्माण हो जाता है या बीज उग जाते हैं। दूसरा है पार्थिनोकॉर्पी। तो दोस्तों पार्थिनोकॉर्पी में क्या होता है कि बिना निषेचन, ठीक है, जो अंडाशय होता है, ठीक है, क्या होता है, जो अंडाशय होता है वह फल में परिवर्तित हो जाता है। एपोगेमी, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो बिना निषेचन अंड होता है वह बीज का निर्माण कर देता है। और एपोस्पोरी, तो इसमें क्या होता है कि बीजाणुद्भिद से सीधे युग्मकोद्भिद का विकास हो जाता है, और यह विकल्प हमारा गलत है। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।